नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम फ्रीडा की कहानी देखने वाले हैं। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये 1995 की बात है, जब फ्रीडा तकरीबन 35 साल की थी। और वो हमसे ये कहती है कि एक बार एक विमान से वो जा रही थी। एकदम बड़ा विमान नहीं, छोटा विमान ही था वो। तकरीबन 15-20 ही लोग उसमें सवार थे और वो एक जंगल के ऊपर से जा रहा था। लेकिन बीच में कुछ तकनीकी कारण की वजह से दोस्तों वो जो प्लेन था वो क्रैश हो गया और वो नीचे गिर पड़ा। फ्रीडा ये कहते हैं कि हम सब घबरा रहे थे और हमें लगा कि हम अभी ज़िंदा नहीं बचेंगे। और जब वो क्रैश होकर नीचे गया तब वो एक पेड़ से टकराया। बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पे, एक बहुत बड़े पेड़ से वो टकराया। और उसके बाद फ्रीडा कहती है कि हमें कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। इसके बाद फ्रीडा ये कहती है कि जब वो टकराया तब नीचे उसको मतलब बहुत दर्द हो रहा था। मतलब इस तरीके से जो एरोप्लेन था बहुत हिल रहा था और इस वजह से वो प्लेन के अंदर या एक दूसरे को टकरा रहे थे। और बाद में उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया रहा था। और जब अचानक उसके सामने मतलब अंधेरा छा गया, उसको नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद वो ये कहती है कि उसने एक अलग ही दुनिया में अपने आप को पाया। उस दुनिया के बारे में उसने ये कहा है कि अभी 2-3 सेकंड पहले मुझे एकदम दर्द हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो दर्द था वो पूरी तरीके से कम हो गया था। और वो भाग ऐसा था दोस्तों जहाँ पर बहुत सारे पेड़ वगैरह ही थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि सामने मुझे एक बहुत बड़ा प्रकाश बिंदु दिख रहा था, बहुत बड़ा। और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं जा रही थी या फिर खींची जा रही थी उस प्रकाश में। और उस प्रकाश में जाते जाते उसने ये कहा है कि उसको वहाँ पर बहुत सारी आत्माएँ दिखी। उस आत्माओं को वो बहुत ही क्लियर से देख रही थी, मतलब चाह रही थी कि वो देखे, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी। लेकिन फ्रीडा ये कहते हैं कि उस प्रकाश बिंदु के सामने जाते जाते ही वो अचानक बंद हो गया। और फ्रीडा को मतलब किसी ने मैसेज भेजा कि तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है फ़िलहाल यहाँ पर आने का, बाद में तुम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकती हो, लेकिन फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो और भी बाकी है। तो इस तरीके से फ्रीडा कहते हैं कि किसी ने मुझे मैसेज कहे, उसने यहाँ वहाँ मतलब देखने की कोशिश करी कि उसको आखिर ये सारे संदेश किसने दिए। लेकिन फ्रीडा ये कहते हैं कि मुझे वहाँ पर कोई दिखा नहीं। लेकिन फ्रीडा ये कहते हैं कि वो ऐसी जगह पे थी जहाँ पर बहुत सारे लोगों की या फिर बहुत सारे आत्माओं की जिनको वो नहीं जानती थी, उनकी नज़र उस पर थी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहाँ पर अकेले ही थी, लेकिन किसी की नज़र वहाँ पर थी या फिर कोई ऐसे चाहता था कि फ्रीडा इन सारी चीज़ों को समझे या फिर उस प्रकाश बिंदु को देखे या फिर वो ये समझे कि कोई आत्माएँ उसके साथ है। और फ्रीडा कहते हैं कि इतने उसका अनुभव आया। और उसके बाद उसने उस जगह का भी मतलब वर्णन इस तरीके से किया है कि वहाँ पर सुंदर सुंदर उसने फल देखे। और वो फल ऐसे थे दोस्तों, वो कह रही थी कि जैसे हम पृथ्वी पर वैसे फल देख नहीं सकते, वो फल ऐसे भी थे जहाँ पर हम यहाँ पे रह के उसका आस्वाद ले सकते हैं। वो जिस तरीके से उसकी टेस्ट होगी वो हमें यहाँ पर रहकर भी पता चल सकता है। मतलब पहले भी हमने इसकी बात की थी कि हम दिल से एक जुड़ाव उससे मतलब महसूस कर सकते हैं, और इस तरीके से वो फल थे। और फ्रीडा ये कहती है कि बहुत ही खुशनुमा वो एहसास था। ज़्यादा देर वहाँ पर वो नहीं रही। उसके बाद वो ये कहने लगी कि अचानक मैं फिर से मुझे कुछ नहीं पता चला, जैसे पहले अंधेरा छा गया था इस बार भी वैसे ही हुआ। और उसके बाद उसने जब आंखें खोली तब वो प्लेन में थी, और प्लेन के जो बचे जिनको ज़्यादा नहीं लगा था, ऐसे लोग एक एक इंसान को उस प्लेन के बाहर निकाल रहे थे क्योंकि प्लेन मतलब जल रहा था थोड़ा थोड़ा, और बाद में वो पूरी तरीके से जलने लगा और सारे लोगों को बाहर निकाला गया। फ्रीडा ये कहते हैं कि उस विमान हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें आई, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गए। बाद में उनको रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया और बाद में उन सारे लोगों को बचाया गया। फ्रीडा ये कहते हैं कि उस अनुभव ने उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया। वो ये कहते हैं कि मैंने कभी भी भगवान को अपने जीवन में नहीं माना था, मैं अपनी जीवन में मस्त थी, लेकिन इस घटना के बाद वो भगवान को ज़्यादा मानने लगी। कहीं ना कहीं उसको यही लगा कि ईश्वर ने उसको बचाया है और एक अलग दुनिया के बारे में जानकारी दी है। ये जो फ्रीडा की कहानी है दोस्तों, मुझे लगता है ये हमें ये सिखाती है कि जितनी ज़िंदगी हम जीते हैं, हमें बहुत बार यही लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, मुझे ये मिला तो मैं खुश हो जाऊँगा, या फिर दुनिया में सिर्फ पैसे या फिर शोहरत ही सबसे बड़ी चीज़ है, ये मुझे मिला तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये जो कहानी है ऐसी, वो मुझे लगता है कि ये सिखाती है कि इस दुनिया के भी परे एक दुनिया है जहाँ पर इंसान के कर्म, जहाँ पर इंसान के मन की सच्चाई, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और कुछ ऐसा इंसान अगर हम बने दोस्तों, तो हम जिस कारण के वश हमने जन्म लिया है, वो या फिर वो उद्देश्य ज़रूर पूरा हो सकता है जल्दी। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए
कुल मिलाकर 5 ऑडियोज भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।